तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में याद रखना, डिस्क्रिप्शन है आपके किस आर्टिकल में, आर्टिकल 76, 76, ठीक है। आर्टिकल 76 आपके कहता है कि भारत का आपके एक महान्यायवादी होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा याद रखना कि जो भारत का महान्यायवादी होगा वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा। इससे आपके तात्पर्य क्या है, अटॉर्नी जनरल का मतलब है सीधा सीधा भारत सरकार का वकील। अगर आपका कोई केस होगा तो आपकी तरफ से एक वकील कोर्ट में आपके क्या करेगा, आपका केस लड़ेगा, तो भारत सरकार के भी तो तमाम केस चलते होंगे, तो भारत सरकार की तरफ से जो कोर्ट में केस लड़ता है वही अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब दूसरा समझना है यहाँ, इसकी योग्यता आपके क्या होती है, हाई कोर्ट के जज की तरह, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, ठीक। दूसरा आपके अपॉइंट कौन करता है इसको, प्रेसिडेंट। इसके बाद में इसका कार्यकाल, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल तो डिफाइन नहीं है संविधान के अंदर, ठीक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपके ये काम करता है, यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद को धारण कर सकता है, 2 साल 3 साल 5 साल, ठीक। सामान्यतः सरकार बदलते ही सरकार अपना अटॉर्नी जनरल बदल देती है, कांग्रेस की सरकार में कोई और होगा, बीजेपी में कोई और, ठीक। सैलरी, कोई सैलरी नहीं होती इसकी, इसको आपके बेजेस डिसाइड करता है प्रेसिडेंट, ठीक। पर केस वाइज कितने आपके भत्ते दिए जाने, जो हर बार आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पावर एंड ड्यूटीज, इसे नोट करो। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इसकी अगर हम बात करें, नोट कर लिया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्क एज लॉयर या एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत सरकार के वकील की तरह कार्य करता है। तो जब भी आपके कोर्ट में आपके कोई केस होगा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से उसको कोर्ट में लड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसा वकील है जो भारत के किसी भी न्यायालय में आपके केस लड़ सकता है, अदरवाइज हर कोर्ट के जो वकील होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक। वकील जब किसी कोर्ट में जाते हैं तो वहां की बार काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो बार काउंसिल में आपके उनका जो रजिस्ट्रेशन आपके होता है, ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपके वकील आपके किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, किसी का हाई कोर्ट में होगा, किसी का सुप्रीम कोर्ट में, किसी का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, ठीक। अच्छा ये बता, लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर होता है, साधारण सा क्वेश्चन क्या होता है, लॉयर हर वह व्यक्ति जिसके पास LLB की डिग्री है, और जब किसी लॉयर किसी बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा के कोर्ट में इंट्रोड्यूस हो सके तब वो बनता है एडवोकेट। जरूरी थोड़ा है कि हर LLB वाला कोर्ट में खड़ा हो, तो LLB की डिग्री का मतलब आप लॉयर हो, मतलब आपको कानून की जानकारी है, ठीक। एडवोकेट का मतलब जब आपके पास कोर्ट में केस लड़ने की परमिशन आ जाए, वो कब होगा, जब बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है, ध्यान रखना आगे से, वो छोटा पॉइंट है ये। अब नेक्स्ट समझना, तो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भारत के सभी न्यायालयों में आपके क्या कर सकता है, मुकदमा लड़ सकता है, ठीक है। दूसरा याद रखना, कांट एडवाइज अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह नहीं दे सकता, ठीक। यानी कि ये लीगल एडवाइज अगर कोई इससे भारत सरकार के विरुद्ध मांगे तो नहीं दे सकता ये। इसके बाद में नेक्स्ट, ये एकमात्र ऐसा ऑफिसर है जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस की मीटिंग में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, ऐसा कौन सा अधिकारी है जो संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है, तो कौन है आपके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा याद रखना, ये संसद के दोनों हाउस की मीटिंग में भाग तो लेता है लेकिन ये सदस्य किसी भी हाउस का नहीं है, नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगला याद रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसकी रैंक होती है क्या, कैबिनेट रैंक की, जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होता है उसके इक्विवेलेंट इसकी रैंक है। दूसरा, एक अधिकारी और होता है सेंटर में, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका काम होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एडवाइस देना और असिस्ट करना, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इसे भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन सॉलिसिटर का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। सॉलिसिटर बेसिकली होता कौन है, अटॉर्नी जनरल का सहायक, ये इसको आपके सहायता देने का कार्य करता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अगली हेडिंग आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव के बाद यूनियन लेजिस्लेटिव, केंद्र की विधायिका,
तो केंद्र की विधायिका की अगर हम बात करें तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 क्या कहता है, पार्लियामेंट यानी कि संसद, संसद का गठन अपर हाउस लोअर हाउस और प्रेसिडेंट को मिला के किया जाएगा। अपर हाउस को हम कहते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस को हम कहते हैं लोकसभा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब हम आगे देखें तो पार्लियामेंट का मतलब क्या है, अपर हाउस लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट, ठीक। तो अब हमें यहां प्रेसिडेंट को हम देख चुके हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा देखेंगे, और फिर आपके संसद कार्य किस तरह से करती है ये देखेंगे। इसको नोट कर लो, जैसे ये अपर हाउस और लोअर हाउस का आपके कंसेप्ट आया और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम समय के साथ आपके क्या होता गया, आगे बढ़ता गया, फिर समय के साथ आपके सुधार होते गए और सुधार होने में आपकी व्यवस्था ये बनाई गई कि ये जो आपके अपर हाउस था इसे समय के साथ परमानेंट कर दिया, ठीक, और ये जो लोअर हाउस था इसे समय के साथ टेम्परेरी कर दिया। यहां जनता के द्वारा चुन के सदस्य पहुंचे जाने लगे, ठीक है, और यहां इनडायरेक्ट इलेक्शन या मनोनीत के द्वारा आपके सदस्य पहुंचने लगे। ये समय के साथ धीरे धीरे 500-700 साल में सुधार होता गया। अब मेन मुद्दा आपके ये आया कि अपर हाउस भारत में है राज्यसभा और लोअर हाउस है आपके क्या, लोकसभा। तो पहला क्वेश्चन तो आपके ये कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो भारत में है या ब्रिटेन में है, इन दोनों ही पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लोअर हाउस ज्यादा पावरफुल है, अपर हाउस इतना पावरफुल नहीं है। मतलब ज्यादातर शक्तियां किसको दी गई है, भारत के और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लोअर हाउस को। तो अब क्वेश्चन ये आया कि जब शक्तियां दी नहीं गई अपर हाउस को तो फिर अपर हाउस को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसी वजह से कई राज्यों में अपर हाउस है भी नहीं, अपर हाउस हर राज्य में नहीं है, ठीक है। तो अब यहां समझना आपके कि अपर हाउस को आपके लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब सबसे पहले तो पार्लियामेंट यानी ये लोअर हाउस अपर हाउस का कंसेप्ट कहां से आया, समय के साथ लोअर हाउस में पावर ज्यादा हो गई, फिर भी क्वेश्चन ये आया कि अपर हाउस की अभी भी रिलेवेंसी क्यों है, ठीक। तो अब एक एक करके अब नोट करते चलो इसे, तो समझना। तो सबसे पहले अगर हम राज्यसभा की जरूरत को समझें आपके, कि भले ही आपके ब्रिटेन और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स नहीं है, तो राज्यसभा की अगर हम रिलेवेंसी को आपके देखें तो सबसे पहले तो याद रखना कि जो लोअर हाउस होता है वो आपके टेम्परेरी हाउस होता है, हर 5 साल में आपके डिजोल्व होता है, जबकि अपर हाउस परमानेंट हाउस है जो कभी डिजोल्व नहीं होता, इसके सिर्फ 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल में। तो ऐसी स्थिति में जब आपके लोकसभा डिजोल्व हो गई हो तो किसी देश में विधायिका के अस्तित्व को बचा के रखता है अपर हाउस। मान लो अपर हाउस है नहीं और लोअर हाउस डिजोल्व हो गया तो विधायिका नाम की संस्था ही खत्म हो गई, संस्था का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हर स्थिति में लेजिस्लेटिव के एग्जिस्टेंस को बना के रखता है अपर हाउस। अब दूसरा पॉइंट आपके समझना, तो पहला परमानेंट हाउस के रूप में, अब दूसरा यह समझना कि जो लोकसभा के जो आपके सदस्य होते हैं ये इलेक्शन के द्वारा आते हैं, ठीक है। अब इलेक्शन के द्वारा आपके आते हैं तो जरूरी नहीं है इसमें आपके कि कोई सदस्य किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, ठीक। तो यहां आपके इलेक्शन के द्वारा कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है जिसकी आपके पब्लिक पे पकड़ है, पब्लिक पे प्रभाव है, या पब्लिक जिससे डरती है, कुछ भी हो सकता है यहां, ठीक। यानी धनबल बाहुबल हर प्रकार के बल से व्यक्ति कहां पहुंच सकता है, लोकसभा में, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में आपके क्या है कि लोकसभा में किसी क्षेत्र विशेष के आपके विशेषज्ञ नहीं आ पाते जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे साइंटिस्ट हुए, कोई आर्ट का स्पेशलाइज्ड है, कोई स्पोर्ट पर्सन है, कोई विशेषज्ञ है। तो ऐसी स्थिति में आपके राज्यसभा के अंदर आपके, ठीक, इसको विशेषज्ञ सदन की तरह ट्रीट किया जाता है स्पेशलाइज्ड हाउस के रूप में, कि यहां विशेषज्ञों को लाने की आपके क्या किए जाते हैं, प्रयास, जिससे अलग अलग सेक्टर के स्पेशलाइज्ड पर्सन राज्यसभा में आ सके। तो राज्यसभा की दूसरी हमें जरूरत पड़ती है एक स्पेशलाइज्ड हाउस के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आपके रीचेकिंग ऑफ बिल। अब रीचेकिंग ऑफ बिल से आपके तात्पर्य क्या है, मान लिया कि लोकसभा ने कोई बिल आपके पास कर दिया, बिल पास कर दिया लोकसभा ने, अब लोकसभा ने आपके अगर कोई बिल पास कर दिया तो अब वो बिल कहां जाएगा, राज्यसभा में। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकसभा ने जल्दबाजी में कोई बिल पास कर दिया हो, कोई मिस्टेक रह गई हो, तो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा उस मिस्टेक को चेक कर सकती है और उसको रिफॉर्म कर सकती है। तो तीसरा बेनिफिट आपके राज्यसभा का क्या है, रीचेकिंग ऑफ बिल, ठीक है। अब चौथा बेनिफिट समझना, होता क्या है कि लोकसभा का जनरल इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन, यहां जनता के प्रतिनिधि आते हैं, ठीक है। इसका मतलब केंद्र में वो पार्टी हमेशा पावरफुल आपके होगी जिसका लोकसभा में बहुमत है, ठीक। ऐसी स्थिति में आपके ऐसा भी तो होता है कि राज्यों में अलग दल की सरकार हो और लोकसभा में अलग दल की बहुमत हो, तो मतलब केंद्रीय सरकार राज्यों के हितों को प्रभावित कर सकती है अगर सरकार अलग पार्टी की है तो। लेकिन ऐसी स्थिति में ये जो राज्यसभा है
वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजोरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप को रोकने का काम करती है। क्यों? क्योंकि यहां जो सदस्य जाते हैं वो राज्यों से जाते हैं। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ स्टेट। यानी कि जिस राज्य की विधायिका में जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी, यानी जिस राज्य की विधायिका में जिस पार्टी के जितने एमएलए होंगे, जितने परसेंट, ठीक उस राज्य से राज्यसभा में उतने ही सदस्य होंगे उस पार्टी के। मतलब यहां जो लोकसभा वाली जो पार्टी यहां रोकती है कौन? राज्यसभा। कि राज्यों के हित प्रभावित ना हो जाएं केंद्र में, ठीक। क्योंकि ऐसा जब भी हुआ केंद्र और राज्य में अगर अलग अलग दलों की सरकार हुई तो केंद्र में जो पार्टी है वो दूसरे दलों वाली सरकारों को प्रभावित कर सकती है, ऐसा कोई कानून बना सकती है, लेकिन राज्यसभा इस कानून को बनने से रोकेगी क्योंकि यहां आपके राज्यों के आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है केंद्र में, तो केंद्र में लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक। इन वजहों से राज्यसभा की प्रासंगिकता हमें तब भी दिखाई पड़ती है, भले ही राज्यसभा के पास लोकसभा के सापेक्ष पावर नहीं है, लेकिन इन अर्थों में राज्यसभा क्या है? रिलेवेंट है। तो नेक्स्ट, तो राज्यसभा, तो राज्यसभा के अगर हम जनरल प्रोविजन यानी कि सामान्य प्रावधान अगर हम देखें तो राज्यसभा ये है क्या? अपर हाउस, उच्च सदन। दूसरा इसे हम कहते हैं हाउस ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का सदन, ठीक है। क्यों? क्योंकि केंद्र में राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है और इसमें जो सदस्य जाते हैं वो आपके उस पार्टी के बहुमत के आधार पर जाते हैं जिस पार्टी का राज्य विधानसभा के अंदर बहुमत होता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना, ये परमानेंट हाउस है क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है 6 साल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है और इसके एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में आपके क्या होंगे? रिटायर होंगे, ठीक है। यानी कि जो 2002 में इलेक्ट हुए हैं वो 2008 में, जो 2004 में इलेक्ट हुए हैं वो 2010 में रिटायर हो जाएंगे, जो 2006 में आपके इलेक्ट हुए हैं वो 2012 में रिटायर हो जाएंगे। इस तरह से 1/3 मेंबर रिटायर होते रहेंगे। इसके बाद याद रखना कि इसमें जो टोटल आपके मेंबर हैं वो आपके कितने हैं? 250। 250 मेंबर में से 238 इलेक्टेड होंगे और 12 नॉमिनेटेड होंगे, लेकिन प्रेजेंट में आपके जो इलेक्टेड है वो कितने हैं? 233, ठीक, और नॉमिनेटेड कितने हैं? 12। मतलब मैक्सिमम हो कितने सकते हैं? 250, लेकिन हैं कितने? 245। यानी इससे ज्यादा संख्या 2026 तक नहीं हो सकती अभी, ठीक, क्योंकि 2026 तक की संख्या आपके मैक्सिमम की क्या है? सेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला समझना, ये नोट कर लिया यहां तक? तो राज्यसभा में अगर हम सीटों के बंटवारे की अगर बात करें एलोकेशन की, तो किस बेसिस पे आपके होता है? पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। अब यहां समझना, इलेक्शन कैसा होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका मतलब जनता भाग नहीं लेगी, जनता के चुने गए प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो कौन से प्रतिनिधि? एमएलए ऑफ स्टेट, ये देते हैं राज्यसभा एमपी के लिए वोट, ठीक है। कौन सा सिस्टम? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। ये हमने पहले भी बताई थी, यानी कि राज्यसभा में जिस पार्टी की जितनी परसेंट मेजोरिटी होगी उसे उतने ही परसेंट सीटें आपके मिल जाएंगी। कैसे? मान लो आपके ये कोई राज्य विधानसभा है, ठीक, राज्य विधानसभा में आपके क्या है? ये पार्टियां हैं और ये इस पार्टी के आपके विधायक हो गए। मान लिया कि बीजेपी के 60% विधायक हैं, सपा के 20%, बीएसपी के 15% और कांग्रेस के 5%। तो इसका मतलब उस राज्य से राज्यसभा में बीजेपी को कितने परसेंट सीट मिल जाएंगी? 60%, सपा को 20%, बीएसपी को 15% और कांग्रेस को 5%। ये पहले भी बताया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मतलब जिस पार्टी को जितने परसेंट वोटर होंगे, जितने परसेंट वोटर लाइक करेंगे, उस पार्टी को उसी अनुपात में सीट आपके रिजर्व कर दी जाएंगी। ये होगा आपके राज्यसभा के अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा,